चलिए देखते हैं, ठीक है। कैलकुलस के पोर्शन का एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल मार्क्स 36 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है क्लास 12th स्टैंडर्ड में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड चैप्टर आता है हमारे पास इसके डिस्कशन के बाद, सेकेंड चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन। थर्ड चैप्टर होता है हमारे पास, इसी का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके इंडिविजुअल 8 पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ चैप्टर आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन खुद अपने आप में दो पार्ट में स्प्लिटेड है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिफ्थ हमारे पास पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसको हम लोग इन शॉर्ट AOI भी कहते हैं, कुछ लोग एरिया बाउंडेड कर्व भी कहते हैं। और सिक्स्थ चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने चैप्टर्स हमारे पास, इसके इंडिविजुअल इंटीरियर से बहुत सारे पैटर्न्स हैं और इनके अलग अलग पार्ट्स भी हैं, इसको हम लोग इन शॉर्ट AOD भी कहते हैं। ये हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सब एक सारे जो हमारे पास 6 अलग अलग जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं कैलकुलस के अंदर, सबका अपना अपना वेटेज है। कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, हम लोग सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब हमें घर पे बैठ के पढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि बाहर तो हम लोग निकल नहीं सकते, कोई भी हम लोग ट्यूटोरियल क्लासेस नहीं ले सकते। तो ऑनलाइन बैठ करके अपना आराम से पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। जो भी वर्कशीट्स हो और जो भी डिस्कशंस हो, सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी, और आप अगर व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, वॉट एवर काइंड ऑफ एनी डाउट यू आर हैविंग यू मे डिस्कस मी विद द ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लास 11th स्टैंडर्ड का लिमिट्स थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 11th स्टैंडर्ड लिमिट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ सुना भी होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होती है, दोनों लोग अगर आपस में बराबर होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब जाकर के हम लोग आगे प्रोसीड करते थे। ये आप लोगों ने सुना भी होगा और इस पे बेस क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए होंगे। अगर नहीं सुना है फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हकीकत एग्जैक्टली वो चीज़ें थी क्या। कंटिन्यूटी होता क्या है बेसिकली? कंटिन्यूटी जैसे मान लीजिए, अगर मैं इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ भी अगर देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सर जो चीज़ें कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी, जो चीज़ें लगातार चल रही होंगी, उसको कंटिन्यूटी में कहते हैं। जैसे रेगुलरली कोई चीज़ मैं फंक्शनिंग में अपने ले रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को कंटिन्यूस रख रखा हूँ। सेम चीज़ मैथमेटिक्स पोर्शन में भी है, बस चीज़ें थोड़ी सी डिफर कर जाएंगी। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बदल जाता है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ही थोड़ी सी चीज़ें ग्राफिकल पोर्शन भी उसमें एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी है क्या बेसिकली? कॉन्टिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन सबसे पहले आता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन सबसे पहले आता है। फंक्शन है क्या? फंक्शन है विद सर्टेन इनपुट्स एनी काइंड ऑफ रिलेशंस और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस गिविंग सर्टेन आउटपुट्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ इनपुट देने के तौर पे देने पे मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ अगर इनपुट दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैन का ही लूँ, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी उसको एज अ इनपुट में दिया, मुझे वो क्या दे रहा है? एक मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे मुझे हवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, उतना हमें नहीं जानना, ठीक है। इनपुट्स दिया, आउटपुट मिला, इनपुट मैथमेटिक्स के टर्म्स में डोमेन कहलाया, और आउटपुट जो मिला वो मेरा रेंज हो गया। ये हो गया बेसिक पार्ट फंक्शन का, एकदम बेसिक डेफिनेशन। लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कहलाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कहलाएगा? तो मैंने आपसे कहा कि क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ा था। लिमिट्स को अगर मैं नंबर लाइन की अगर बात करूं, नंबर लाइन के बिहाफ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैं कहूं कि x इज इक्वल्स टू a पे मैं खड़ा हूं, तो आपके पास a के हिसाब से दो पोजीशंस है, एक a के आगे का पोजीशन और a के पीछे का पोजीशन। मैं अगर a से आगे जाना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है सर, आप a में कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे? ऐड कर रहे होंगे। और अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो a में आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे? सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो वैल्यू आप जो ऐड कर रहे हैं और जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो छोटी वैल्यू है, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, जिसको मैं कह सकता हूं कि h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है? जीरो।
मतलब बहुत ही फ्रैक्शनल वैल्यू है, माइन्यूट फ्रैक्शनल वैल्यू है ये, फ्रैक्शनल वैल्यू है, कोई इंटीग्रल वैल्यू ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पांच पे अगर खड़े हैं तो एक जोड़ दीजिए छह पे पहुंच जाओगे, एक घटा दो चार, ये बहुत मेजर हो जाता है, ठीक है। पांच से लेकर के चार और पांच से लेकर छह तक के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो मैं बहुत सी छोटी सी वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x is equal to 5 मैंने कंसीडर किया, तो 5 में मैं कुछ ऐड करूंगा, 5 प्लस 0.00001 जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो, 5 ही हो, और मैं कुछ घटा रहा हूँ 5 माइनस 0.00001 जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ, 5। तो ये है माइन्यूट फ्रैक्शनल वैल्यू। आखिरकार जो दो अलग अलग पोजीशंस आपको मिली, ये पोजीशंस आपको मिली, आगे आप गए ये क्या कहलाया, राइट हैंड लिमिट, और जो पीछे आप गए ये क्या कहलाया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर 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 a प्लस h और a माइनस h दोनों बराबर हो गया, a प्लस h और a माइनस h दोनों बराबर हो गया h टेंड्स टू जीरो पे, तो आप कह सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू a पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट इज इफ LHL इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू a इंप्लाइज लिमिट इज एग्जिस्टिंग। ये तो क्लास 11th स्टैंडर्ड की बात हो गई कि LHL और RHL x इज इक्वल टू a पे अगर आपस में बराबर रहे होंगे तो मैं कह सकता हूं कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब उसी में एक और पॉइंट आपके पास इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे आपने कहा था कि सर आप आगे बढ़ने के लिए h का मदद लिए आगे बढ़ गए, आप पीछे जाने के लिए भी h का मदद लिए आप पीछे चले गए, व्हाट अबाउट द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन ही कहलाया द वैल्यू ऑफ द फंक्शन VOF। मतलब आपके पास अब तीन पोजीशंस है, पहले आपके पास दो पोजीशंस हुआ करती थी, अब आपके पास तीन पोजीशंस है, पहले आपके पास RHL होता था LHL होता था, ये दोनों लोग बराबर होते थे, आप कह देते थे कि लिमिट एक्सिस्ट कर रहा है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास तीन इंडिविजुअल पोजीशंस है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, RHL भी है, LHL भी, ये तीनों कंटिन्यूअसली अगर बराबर होंगे तो आप कहेंगे कि सेम पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां से बात आ जाती है कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, मतलब LHL RHL और VOF अगर तीनों लोग आपस में बराबर हुए तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर है। मतलब मैं इसको अगर मैथमेटिकली दिखाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू VOF, VOF मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहीं से इवैल्यूएट होगा जहां पे फंक्शन अपनी इक्वालिटी शो कर रहा होगा। अभी मैं उसको ग्राफिकली और स्प्लिटिंग फंक्शंस के हिसाब से मैं समझा देता हूं, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने एक लैंग्वेज के फॉर्म में आपको बता दिया कि आखिरकार अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो इस तरह का रिलेशंस वो शो कर रहा होगा। लेकिन अब आप ग्राफिकली अगर बात करें तो हम कैसे कह सकते हैं, ये तो हो गया एक मैथमेटिकल रिलेशन, इसको भी अगर डेप्थ में हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्राफिकल कैसे होगा। ग्राफिकली हम लोग छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं जो कि बहुत सा कॉमन है कि कोई भी चीज अगर कॉन्टिन्यूअस अगर आप बना रहे हैं तो ग्राफ बनाते समय आपको किसी भी पॉइंट पे आपको पेन ना उठाना पड़े, गो थ्रू आपका पेन चलता चला जा रहा हो, उस केस में हम लोग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, केवल एक चीज से हम लोग ये नहीं कह सकते, केवल एक चीज से हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर ये ऐसे चलता चला जा रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, ये एक पॉइंट ट्रू है, गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ फंक्शन में कहीं कोई शार्प एज ना आ रहा हो, कहीं कोई टिल्ट ना आ रहा हो, कहीं कोई गैप ना आ रहा हो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अगर ग्राफिकली आप कंसीडर करना चाहते हैं, मैथमेटिकली तो आपको रिलेशन मैंने दे दिया, ग्राफिकली अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन ग्राफिकली कैसे होगा, जब आप उसका रेंज और डोमेन मिलाते हुए आप फंक्शन का स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करते समय अगर उस फंक्शन में कहीं भी कोई गैप ना हो, टिल्ट ना हो, शार्प एज ना हो, तो आप कहेंगे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक चीज बराबर नहीं होती और कहीं ना कहीं उसमें ये रिलेशन पाए जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होगी। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब फंक्शन में क्या मिल रहा होगा, शार्प एज मिल रहा होगा, टिल्ट मिल रहा होगा या गैप मिल रहा होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास फंक्शन का एक ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मैंने कहा ये मैंने बना दिया वैल्यूज, मैंने कहा y इज इक्वल टू fx का एक फंक्शन है,
और मैंने इसमें कहा कि आप मुझे जरा x इज इक्वल्स टू b पे जरा बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा सर b से माइनस पे जा रहा हूं तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल रहा है गैप के इधर वाला, और b से जब मैं प्लस पे जा रहा हूं तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है b की वैल्यू और b माइनस की वैल्यू और b प्लस की वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू b प्लस h और x इज इक्वल्स टू b माइनस h, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब शार्प एज और टिल्ट क्या होता है, शार्प एज टिल्ट और गैप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शार्प एज से एक रिलेशन है, जैसे जब आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा तो आप लोगों को, आप लोगों ने ये भी सुना होगा और सीखा होगा कि फंक्शन वही हो सकता है जिसका एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स, एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स ना आ रहा हो, एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह पुट किया हूं f is equal, x is equal to 2 तो मुझे 5 मिला, दोपहर में पुट किया x is equal to 2 तो मुझे 9 मिला, तो दो वैल्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर इस तरह का रिलेशन कोई शो करता है तो वो फंक्शन नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स पे एक आउटपुट जनरेट हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने x is equal to 1 पुट किया, आपको 1 मिल गया, आपने x is equal to minus 1 पुट किया तो भी आपको 1 मिल गया। हाँ ये फंक्शन है, कैसे, fx is equal to x square, आप x square में 1 पुट करोगे तो भी 1 मिलेगा, x की जगह minus 1 पुट करोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मल्टीपल इनपुट्स पे सिंगल आउटपुट इज अलाउड फॉर फंक्शन, बट फॉर सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स आर नॉट अलाउड। तो ये डेफिनेशन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं शार्प एज की बात करूं, जैसे मैंने कहा आपने फंक्शन लिया तो आपका एक इनपुट पे यहां पे एक आउटपुट मिल रहा है इस इनपुट पे, और इसी इनपुट पे एक आउटपुट यहां पे मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये तो हो गया सेम वैल्यूज पे। आप ऐसे बना लीजिए, ये शार्प एज है, इस जगह पे फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। हम लोग सारे फंक्शंस के रिलेशंस पढ़ेंगे, सारे फंक्शंस के रिलेशंस को पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास अभी आएगा मॉडुलस फंक्शन, अभी आएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनोसाइडल फंक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ द फंक्शंस, सारे रिलेशन फंक्शंस हमारे पास अलग अलग आएंगे, सबका हम लोग डोमेन, रेंज, उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर सब अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बिना फंक्शन पढ़े सर हम लोगों से कैसे होगा, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा सर, अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स की बात की, जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लिमिट्स में LHL और RHL अगर आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट उसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर LHL RHL के साथ VOF नाम का एक और आदमी अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो भी अगर उसी वैल्यूज के इक्विवेलेंट अगर रिलेशंस को शो करता है तो मैं कहूंगा फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट ऑफ इंस्टेंट होना चाहिए। अगर x is equal to a पे खड़े हो तो a पे LHL भी इवैल्यूएट कर रहे होगे, a पे RHL भी इवैल्यूएट कर रहे होगे और a पे ही VOF भी इवैल्यूएट कर रहे होगे, तभी हमारा रिलेशन क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, तो हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग को प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेम पॉइंट ऑफ इंस्टेंट होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहां पे इवैल्यूएट करेंगे जहां पे फंक्शन अपनी वैल्यूज को इक्वालिटी में शो कर रहा होगा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे इनइक्वालिटी होगी। जैसे कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं एट x इज नॉट इक्वल टू 0 है, fx अपना दो वैल्यू शो कर रहा है, sin 3x upon x तब शो कर रहा है जब x की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, और 2x plus 3 शब्द तब शो कर रहा है जब x equal to 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे not equals to 0 का मतलब क्या, या तो सर x 0 से बड़ा रहा होगा या तो x 0 से क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। मतलब यहां से मैं इवेल्युएट कर सकता हूं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटर पार्ट है मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने वाली वैल्यूज को हम लोग राइट हैंड लिमिट का नाम देते हैं और पीछे की तरफ जाने वाली वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम देते हैं, ठीक है। अब कितने तरह के फंक्शंस की स्प्लिटिंग हो सकती है, अभी इस एग्जांपल के बाद, ये एक और एग्जांपल और करने के बाद मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट करता हूं एट x इज इक्वल टू 0, तो VOF एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा हमारे पास,
क्या होगा एफ एक्स कौन सा यूज करेंगे सर एफ एक्स हम लोग यूज करेंगे 2x प्लस 3 क्योंकि इस लिमिट पे यही फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी सर जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे जीरो पुट कर देंगे तो 2 इंटू जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मतलब एफ ऑफ जीरो दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ठीक है अब मैं क्या यूज करूंगा सर अब आप राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट अब देखिए नॉट इक्वल टू जीरो पे दो लिमिट्स डिस्प्ले हो रही है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एक ही वैल्यू पे एक ही पॉइंट पे दो लिमिट्स अगर आ जाती है तो किसी एक को आप प्रायोरिटी के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है हम प्रायोरिटी कैसे देंगे किसको देंगे इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो अभी मैं इसको बता दे रहा हूं देखिए एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एफ एक्स क्या है मेरे पास एफ एक्स है साइन 3x अपॉन x जीरो के इक्वेलेंट नहीं है तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन x क्लास 11th स्टैंडर्ड में इस तरह का लिमिट आप लोगों ने पढ़ा हुआ जिसमें आपने कहा था सिंस आपको पता भी है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है कैसे होती है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूं आप यहां पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है 0 बाय 0 फॉर्म टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म्स जनरेट कर रहा है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है x की वैल्यू 0 रख दी है 0 अपॉन 0 यहां पे मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूं अगर तो ये साइन x हो जाएगा क्या बन जाएगा cos of x upon 1 cos 0 की वैल्यू 1 1 upon 1 आंसर इज 1 ठीक है तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई सेम चीज को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x x कोएफिशिएंट 3 है 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इतने की वैल्यू इस लिमिट पे कितनी हो गई 1 हो गई 1 * 3 द वैल्यू इज 3 तो मुझे फाइनली मिला क्या कि सर एट x नॉट इक्वल्स टू 0 पे मुझे वैल्यू मिली है 3 और एट x इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे वैल्यू मिली है 3 ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है मतलब मैं कह सकता हूं कि RHL LHL और VOF तीनों आपस में क्या है इक्वल है मींस इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 ठीक है इजीएस्ट प्रॉब्लम था एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसके बेस कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे आप वहां से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसे बेस मैंने 10-12 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं अब आगे हम लोग चलते हैं कि फंक्शन की स्प्लिटिंग क्या क्या हो सकती हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसको आप चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी और सेम चैप्टर ऑफ आरडी शर्मा से आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं अब हम लोग इस पर बेस कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक फंक्शन अपने आप की मैक्सिमम कितनी स्प्लिटिंग शो कर सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं ठीक है कितने तरह के प्रॉब्लम्स बनेंगे पहला टाइप का प्रॉब्लम बनता है जब सिंपल स्प्लिटिंग होती है जैसे कि हम लोगों ने शॉर्ट एग्जांपल किया पहला कि अगर एक फंक्शन में एक पॉइंट होगी इक्वालिटी वाली x = a और एक नॉट इक्वालिटी वाली यहां से हम लोग दो चीजें इवैल्यूएट कर सकते हैं RHL LHL और यहां से इवैल्यूएट होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन जैसे मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि एक फंक्शन में जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट यहां तो आपको साफ स्पेसिफाई हो रहा है कि आप यहां से वैल्यू ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएट कर लेंगे अब यहां पे सर मुझे नॉट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट भी है लेफ्ट हैंड लिमिट में प्रायोरिटी किसको दूं तो आप इस केस में जब ये दोनों लोग एक साथ मर्ज हो जा रहे हैं उस केस में आप किसी भी एक को इवैल्यूएट कर लीजिए नीड नॉट टू बदर ठीक है आगे देखते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये हो गया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए व्हेन एक्स इज लेस देन ए अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ग्रेटर देन है तो इस लिमिट में आपको दो चीजें नजर आ रही इक्वल भी है और ग्रेटर भी है ग्रेटर है मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हैं इक्वल है मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन है मतलब यहां से आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इवैल्यूएट कर सकते हैं और राइट हैंड लिमिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे आप हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है इस केस में इससे अलग है थोड़ा सा इस केस में इक्वालिटी है और ग्रेटर भी है तो आप प्रायोरिटी हमेशा वैल्यू ऑफ द फंक्शन को दीजिए राइट हैंड लिमिट को नहीं ठीक है यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट आप इवैल्यूएट कर लेंगे यहां से वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों को आप इक्वेट करेंगे दोनों वैल्यूज अगर बराबर होंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा थर्ड टाइप का प्रॉब्लम होगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए हो और एक्स ग्रेटर देन ए हो इस केस में क्या होगा सर सिमिलर है इस केस में वीओएफ होगा और एलएचएल होगा ठीक है और यहां पे आरएचएल होगा यहां पे इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे ठीक है तीन तरह के प्रॉब्लम्स हमें अलग अलग डिस्कस हो रहे हैं चौथा हमारे पास टाइप फोर्थ टाइप है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है ठीक है
तो हमारे पास एफ एक्स में ये होगा, जब एक्स ग्रेटर देन ए होगा, एक्स इक्वल्स टू ए होगा और एक्स लेस देन ए होगा। यहाँ पे तीनों चीजें इंडिविजुअल आप इवेल्युएट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू द फंक्शन, तीनों अगर आपस में बराबर होंगे तो एफ एक्स आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब एक फंक्शन एफ एक्स अपने आप की ये चार तरह के टोटल स्प्लिटिंग्स को शो कर सकता है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए इसको। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगला टाइप का जो प्रॉब्लम है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एक अननोन कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यूज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू के पे, और यहां से क्या क्या इवैल्यूएट होगी सर, आर एच एल और एल एच एल आप इवैल्यूएट कर सकते थे, दोनों में से आप कोई भी इवैल्यूएट कर लीजिए। यहां से आप इवैल्यूएट कर ले सकते थे वी एफ, और एज पर द गिवन कंडीशन ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या रही होंगी, इक्वल रही होंगी सर, तभी आप क्या इवैल्यूएट कर पाएंगे, के इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4, इट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के है, मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, के है, ठीक है। मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये जो वैल्यूज मैंने डिस्प्ले करी है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसको अगर मैं उठाऊं एट एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या मेरे पास यूज हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 256 अपॉन एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्लास 11th स्टैंडर्ड में चार अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, क्लास 11th में चार अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, जिसमें पहला था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा था मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, तीसरा था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन और चौथा था आपके पास एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व कर लूंगा। मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 4, क्यों मैंने लिमिट लगा दिया, बिकॉज सर एट x इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन 0/0 फॉर्म जनरेट कर रहा है, ठीक है। x टेंड्स टू 4 पे क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 अपॉन x माइनस 4, ये जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से अपना रेंज शो कर रहा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू होती है। वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, 4 इंटू 4 टू द पावर 3 कितना आएगा, 64, ये हो जाएगा मेरे पास 256, इंप्लाइज k इज इक्वल टू 256 इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस में भी, मॉडुलस फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके ग्राफिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसी में जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कशन करेंगे, तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस पे आपको कोई भी अगर डाउट्स होते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी वर्कशीट्स आपको दे दी हैं, फिर भी एक बार मैं आपको नहीं होगा तो डिस्प्ले करा दूंगा। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप हमसे डायरेक्टली 1-to-1 आस्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात है कोरोना का, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो इस केस में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो भी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल हो पा रही हैं हम घर पे ही रहेंगे, कम से कम बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। बहुत अर्जेंसी हो तो अपने मॉम डैड को भी नहीं कह के अपने आप को कवर अप करके फिर आप जाइए, कुछ अपने यूटिलिटीज को यूज ला करके फिर अपने घर पर रख लीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट डिस्कशन हो, कोई भी आपको अगर सजेशन देना हो, आई एम वार्म वेलकम।